गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली गली गली कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। Miss Menon being recognized for her skillful portrayal of character, sacrificing her own love for greater good, capturing the sense of selfless devotion. मेरे साथ नित्या मेनन और अभी अभी इन्हें नेशनल अवार्ड मिला है एंड एक बहुत ही अद्भुत फीलिंग होती है जब हाथ में नेशनल अवार्ड मिलता है, जब इनको हमारी राष्ट्रपति ने वो अवार्ड दिया। तो नित्या, इट्स अ वेरी 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 स्पेशल फीलिंग व्हेन यू गेट द नेशनल अवार्ड बाय इट्स इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहला, आई नो आई विल साउंड क्लीशेड, बट व्हाट वाज द फीलिंग लाइक व्हेन यू वर बेस्टॉड विद दैट स्पेशल ऑनर? आई थिंक द फीलिंग वाज The day it was announced was the most special day. और मुझे कभी कभी लगता है कि आई होप दैट आई विश आई कुड गो बैक टू दैट डे एंड लिव इट अगेन, बिकॉज इट वॉज़ अ वेरी वेरी स्पेशल फीलिंग। हमें लगता है कि इतने साल के बाद कुछ नया, हम नॉवल वाला एक्सपीरियंस हमें हम फील नहीं कर सकते, लेकिन दैट वॉज़ अ वेरी नॉवल फीलिंग। आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज एंड I didn't expect it at all, but yeah, I was feeling really relieved on that day. तो आपकी जो ये तमिल फिल्म है, by the way, it's available on the internet. अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें। कैसा experience था उस फिल्म को shoot करने का and your role जिसके लिए आपको ये मिला ये खास सम्मान? The experience was beautiful. वो एक actors का film है, सो वो एक बहुत सिंपल सेटिंग है, लेकिन चार कैरेक्टर्स, चार एक्टर्स का एक फिल्म है वो। सो हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रकाश राज बारदीराजा सर एक बहुत लेजेंडरी डायरेक्टर थे तमिल में, और उनके साथ काम करना एक बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस है वो। और धनुष और मैं, हम चार एक्टर्स एक फाउंडेशन थे उस फिल्म के। तो दैट कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस वाज ब्यूटीफुल। हम एक्चुअली एक फैमिली के जैसे थे, वहाँ पे भी फैमिली, बाहर में भी वी वर लाइक फैमिली, वी वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। और वो लोग हमेशा मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देते थे, दे यूज़ टू ट्रीट मी लाइक पैम्पर मी अ लॉट। सो वो था एक्सपीरियंस फिल्म का। और शोभना का कैरेक्टर जो है, जो मैंने किया तिरुचित्रम्बलम में, वो एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था फ्रॉम व्हाट आई एम। तो ऐसी एक लड़की को मैंने कभी, मैं आई हैव नेवर मेट समवन लाइक दैट, मैंने कहीं नहीं देखा है। लेकिन यू नो लाइक आई हैड टू प्ले अ कैरेक्टर विच इज़ आउटसाइड माई कम्फर्ट जोन, सो आई हैड टू काइंड ऑफ move away from my comfort zone a little bit and then play her, because wo character ka bahut specific chota chota body language tha aur mannerisms tha, jo I had to change my own mannerisms and make it like her. तो नित्या मेनन को आपने ढेर सारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में देखा है, लेकिन आज मैं आपको एक ट्रिविया बताने जा रहा हूँ। नित्या ने अपने करियर की शुरुआत एक हिंदी टीवी सीरियल से की थी जो जी टीवी पे आता था। शो का नाम था छोटी माँ, और नित्या बिल्कुल छोटी सी थी, छोटी बच्ची थी, और मुझे भी अचानक, मैंने वो क्लिप इतनी बार वो सीरियल को कवर किया, आई डिडंट रियलाइज दैट वाज नित्या मेनन। तो छोटी माँ टीवी सीरियल में आपका डेब्यू हुआ, सो आई मीन हिंदी ऑडियंस वेल ऑलरेडी आपको देख चुके थे, बट एज अ किड, सो हाउ वाज एक्सपीरियंस डूइंग द हिंदी डेली सोप ड्यूरिंग दैट टाइम? आई थिंक आज तो 10-12 साल से ज़्यादा हो चुका है उसको। मैं आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, आई थिंक 12-13, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। एंड वो एक्चुअली बैंगलोर में शूट कर रहे थे, पंडरपुर में शूट कर रहे थे और फिर बैंगलोर में, तो इट वॉज ओके बिकॉज आई वॉज फ्रॉम बैंगलोर। बट वो इतना, मतलब पीपल लव्ड माई कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, और वो बढ़ता गया वो कैरेक्टर का। और आई थिंक आई डिड 100 एपिसोड्स और समथिंग, पता नहीं कैसे, हाँ आई डोंट नो हाउ आई डिड इट। और मैं स्कूल जा रही थी, लेकिन फिर भी आई डोंट नो हाउ आई मैनेज टू डू इट। बट बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था टेलीविजन में वर्क करना, बिकॉज इट वॉज हेक्टिक, दिन रात काम करते थे, और लाइक लिटरली शूट फिनिश होता था, वो रील को लेके भागते थे एडिट के लिए, और कल ये रिलीज़ करना है, ऐसे यू नो इट वॉज लाइक हेक्टिक
mistake. It was like very very different. But उस serial में मुझे kind of पता चला कि okay I have an affinity to do this work. और मैं बहुत ऑब्जर्व करती थी कि लाइटिंग कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं. वो बच्चे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं. सो उस टाइम में आई वॉज वॉचिंग एवरीथिंग एंड आई कुड वेरी ईजिली परफॉर्म. ट्रेनिंग स्कूल है टीवी. यस. एंड आई रियलाइज हाउ एफर्टलेसली आई वॉज एबल टू परफॉर्म एंड डू थिंग्स एंड अंडरस्टैंड फिल्म मेकिंग. तो आई काइंड ऑफ दैट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई लव्ड माई डायरेक्टर. हर नेम वॉज मोइना सिंह. और आई लव्ड हर सो मच. शी वाज सो स्वीट. मैं आपको बता दूं कि नित्या से एक मैं पहले इंटरव्यू किया था तो आपने एक किस्सा मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा. तो इनकी एक फिल्म थी जिसका हिंदी में कंचना के नाम से रिलीज़ हुई, बट वो हिंदी में खासकर नॉर्थ इंडिया में बहुत देखी गई. आपने किस्सा बताया था कि ऑटो वाले ने इनको पहचान लिया और आप तो कंचना गर्ल है. तो आई मीन सिनेमा की भाषा नहीं होती, कौन आपको किस जगह वर्ल्ड में किस में देख रहा है. सो वॉट यू फील अबाउट दिस, जो आजकल ये इतनी फिल्में डब हो के हर भाषा डजंट मीन एनीथिंग बिकॉज फिल्म्स रीच टू अ वेरी वेरी वाइड ऑडियंस. व्हेन आई लाइक जब मैं बॉम्बे आती हूँ या इवन दिल्ली में, द वे पीपल अप्रोच, वो मुझे बहुत सरप्राइज होता है कि वो इतना मुझे मतलब पसंद करते. देयर सो मच लव, लाइक ओ माय गॉड कांचना फिल्म या कुछ भी, सम यू नो वन ऑफ माय कमर्शियल फिल्म्स, उनके उसके बारे में बात करते हैं और मैंने ये फिल्म देखा. तो मुझे लगता है कि इट्स सो नाइस दैट यू नो वो लैंग्वेज बैरियर को क्रॉस करके यू नो लोग देख रहे हैं. तो आई फाइंड दैट अमेजिंग. साउथ इंडियन फिल्म्स को बहुत पसंद करते हैं लोग यहाँ पे. तो दैट फील्स वेरी सरप्राइजिंग बट इट्स अमेजिंग. हिंदी में जो नित्या की फिल्म थी मिशन मंगल, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिल्म्स एवर मेड, क्योंकि वो फिल्म में बहुत सारा एजुकेशन भी था, एंटरटेनमेंट भी था एंड सम फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडिया. तो आई थिंक योर डेब्यू हैपन विद अ वेरी वेरी राइट फिल्म. तो आई थिंक मिशन मंगल में आपको फिर से लेके जाना चाहूँगा बिकॉज हिंदी ऑडियंस ने आपको पहली बार देखा और आपका रोल बहुत ही फैंटास्टिक था. तो हाउ वॉज एक्सपीरियंस डूइंग दैट फिल्म? दैट वॉज अनदर फिल्म विच वॉज सच अ ऑनसम्बल कास्ट, राइट? सो हम लोग साथ में खाते थे ऑल मील्स. अगर कोई कैरावैन चले गए तो आके नॉक करते थे, बहुत हल्ला मचाते थे, वो क्या कर रही हो अंदर, कम आउट, लाइक. सो इट वॉज़ अ रूल कि सब लोग एक साथ खाएंगे, सब लोग एक साथ रहेंगे. तो इट वॉज़ अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस. तो हमेशा मैं बोलती हूँ और लोग बोलते हैं, मुझे लगता है वो पर्टिकुलर फिल्म ना, तुम्हारा फर्स्ट फिल्म बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, बट मेरे लिए बॉम्बे में शूट करने का एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल था बिकॉज दैट फिल्म वॉज लाइक दैट एंड एवरीबडी देयर. अक्षय सर बीइंग द स्टार देयर, वो जो एनर्जी क्रिएट करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर. और उन्होंने लिटरली हमें सब एक्टर्स को एक साथ लाया एंड ही ब्रॉट अस टू वन प्लेस. ही यूज टू ब्रिंग फूड फ्रॉम हिज हाउस, यू नो. मैं सिर्फ वेजिटेरियन खाती थी, सो ही वॉज वेजिटेरियन, सो ही यूज टू ब्रिंग फूड फ्रॉम होम. सो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था. इट कम्स वेरी रेयरली इन अ लाइफ टाइम एंड जब वो आता है तो यू नो आई सेवर दोज मोमेंट्स. तो नित्या के बारे में एक बहुत स्पेशल चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि नित्या बहुत सारी भाषाएं बोल लेती हैं. इन्होंने हिंदी फिल्म में भी काम किया, आपने ने मिशन मंगल में देखा, ब्रीद में देखा, इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और आपने अपने करियर की शुरुआत एक फ्रेंच फिल्म के साथ भी की थी, इफ नॉट रॉन्ग. तो ये भाषाओं का ये जो इतने सब मास्टरी आपने कैसे की? बिकॉज कहीं ना कहीं बैंगलोर में आप रहते हैं, इट्स अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन सिटी, बट हाउ डिड यू मास्टर ऑल दीज लैंग्वेजेस? उन्होंने सभी सिनेमा आपने कर लिया है जो इंडिया का प्रोमिनेंट है. आई थिंक छोटे उम्र से ही मुझे बहुत, आई वॉज़ वेरी एक्सपोज्ड इतने सारे लैंग्वेजेस. मेरे पेरेंट्स भी सब लैंग्वेजेस बोल लेते हैं. तो फ्रॉम यंग एज मैंने सुना है, मेरे पापा के फ्रेंड्स थे, सब तमिल बात करते थे, सो एवरीबडी स्पीकिंग तमिल. हमारे घर में यू नो कन्नड़ा बोलते थे, सो वी यूज़ टू स्पीक ऑल लैंग्वेजेस. सो मुझे वो फिल्म्स में आने के बाद वो जब पूछते हैं, अच्छा इतने सारे लैंग्वेज, दैट्स व्हेन आई इवन वॉज कॉन्शियस अबाउट इट. नहीं तो वो बहुत कैजुअल था मेरे लिए. बैंगलोर में सब लैंग्वेजेस के लोग होते थे
और सब लोग कन्नड़ा बात करते थे या सब लोग तमिल बात करते थे. सो और आई थिंक ऑल्सो पर्सनली मुझे बहुत इंटरेस्ट है लैंग्वेजेस सीखने में और लोगों को उनके भाषा में बात करने, लोगों से उनके भाषा में बात करना मुझे बहुत पसंद है. तो आई लर्न वेरी क्विकली लैंग्वेजेस. सो या नेक्स्ट लैंग्वेज आई वांट टू लर्न इज मराठी. एक और इनकी बड़ी अच्छी खूबी है, ये बहुत अच्छा गाना गाती है. इंडियन आइडल में आप लोगों ने देखा है नित्या को. बट हाउ वाज एक्सपीरियंस डूइंग इंडियन आइडल? बिकॉज आई थिंक यूथ के साथ आपने बड़ा कनेक्ट किया उस शो में. बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम, वेरी डायरेक्ट मीडियम ऑफ टेलीविजन और ओटीटी. ऑफकोर्स ओटीटी पे आपने शोज किए हैं, बट इंडियन आइडल जैसे शोज वहाँ छोटे छोटे शहरों से बच्चे आते हैं, टैलेंट आते हैं, तो कैसे एक्सपीरियंस रहा इंडियन आइडल करने का? इट वॉज यूनिक एक्सपीरियंस. मैं एक्साइटेड हो गई क्योंकि ये एक डिफरेंट थिंग था जो मैंने अभी तक नहीं किया. आई हैव बीन हियर फॉर 14 ईयर्स और समथिंग. अभी तक जो मैंने नहीं किया वो मुझे करना अब मिलेगा. तो आई सेड जजिंग ओके लेट्स डू दैट न्यू एक्सपीरियंस इन लाइफ. वेरी वेरी नाइस. इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल इनको मीट करना. और I was most surprised because लोगों ने कहा, especially Telugu, because Telugu Indian Idol था, Telugu audiences ने सब कहा कि अच्छा, we knew Nithya on screen but we got to know who she is really. वो person, as a person वो कौन है वो हमें दिखाई दिया. और we loved Nithya more because of that. That was like surprising. I said, oh wow, that's so nice. That people loved me more because they got to know who I was. So that was a big takeaway from Indian Idol for me. National award winning actress हमारे साथ है. But पुराने गानों में आपने एक पुराना गाना गाया जो आराधना फिल्म का ये जो गाना है. तो पुराने गानों में एक अलग खनक होती है. दे आर क्लासिक एवर. नए गाने जितने भी आ जाए, बीट्स आ जाए, बट आप कितने पुराने गानों की शौकीन है? बहुत बहुत ज़्यादा. ऐसा जैसा एज इफ आई एम लाइक आई वॉज बॉर्न इन द 40s और 50s. ऐसा मुझे वो पसंद है. और आई नो ऑल द सॉन्ग्स. वो कैसा मुझे पता है आई डोंट नो. लाइक माय पेरेंट्स ऑलवेज आस्क मी तुम्हें ये गाना तुम्हें कैसे पता. वो भी बहुत ओल्ड सॉन्ग्स सुनते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा मैं जानती हूँ ओल्ड सॉन्ग्स एंड 50s का सॉन्ग्स एंड ऑल दैट. दैट इज़ माई कम्फर्ट जोन. मुझे ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स बहुत बहुत कंफर्टेबल और होमली लगते हैं. इतनी सारी फिल्में, इतने सारे शोज़, कुछ ऐसी ख्वाहिश रह गई है जो नित्या करना चाहती है? मे बी डायरेक्टर बनना, सिंगर तो आप अभी बन रही, कोई अपनी एल्बम निकालना, कोई ऐसा कुछ और विश लिस्ट में है, टू डू लिस्ट? डेफिनेटली टू डू लिस्ट में एक्टिंग में ही मुझे है. मुझे लगता है कि पूरा पोटेंशियल मेरा अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है और करना है. एज एन एक्ट्रेस इट सेल्फ आई वॉन्ट टू डू मोर यू नो विच चैलेंजेस मी मोर. वॉट नेक्स्ट? अभी कहाँ आप दिखने वाले हैं, कौन सी फिल्में या शोज आने वाले हैं? आई मीन आई एम डूइंग तमिल फिल्म्स हैं मेरे जो रिलीज़ हो रहे हैं और जो मैं शूट कर रही हूँ. शायद वेरी सून वी विल बी ऑल्सो अनाउंसिंग एन OTT हिंदी प्रोजेक्ट एज वेल. सो तो आपको एक बार फिर से नेशनल अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई. उम्मीद करते हैं इसी तरह आप दर्शकों का मनोरंजन करते रहें, अपनी जो हटके अपनी जो एक्टिंग एबिलिटीज़ हैं, अलग किरदार हैं, वो दिखाते रहें. एंड जाते जाते क्या कहेंगे व्यूअर्स को? दिवाली भी आ रही है. हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द प्यार एंड लव एंड फॉर वॉचिंग ऑल माई फिल्म्स. थैंक यू सो मच नित्या. सच अ प्लेजर टू ऑलवेज टॉक टू यू. थैंक यू.